डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, हम हमारे पहला टॉपिक कंप्लीट पढ़ चुके हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब जेनेटिक्स के बारे में हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ओके बेटा, जहाँ पे हमने देखा कि जीन्स किस तरह से कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा था, कैसे कैरेक्टर को शो कर रहा था, हमने वहाँ मेंडल के बारे में, मेंडल के क्रॉसेस के बारे में, हमने हर चीज़ वहाँ पे पढ़ी। फिर हमने वेरिएशन पढ़े कि वेरिएशन एक्यूमुलेट भी होते हैं, नई स्पीसीज भी बनती चली हुई जाती है, वेरिएशन से अडेप्टेशन आती है, इसे चेंजेस होते हुए चले जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा, इवोल्यूशन होगा। क्या होगा? इवोल्यूशन। अगर हम बात करें इवोल्यूशन का मतलब तो क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, वो चीज क्या कहलाई जाती है, इवोल्यूशन कहलाई जाती है। एक नई स्पीसीज का बनना पहली वाली स्पीसीज से, धीरे 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 चेंज होती चली गई और एक नई स्पीसीज बनती चली गई, और पहली वाली स्पीसीज अब वो नहीं है, ठीक है बेटा। उसे हमने क्या नाम दिया, इवोल्यूशन। अगर मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल दूँ तो, अगर हम मोबाइल फोन का एग्जाम्पल देते हैं बेटा, आज के टाइम पे मोबाइल फोन है, पहले मोबाइल फोन नहीं थे। एक सबसे पहला जो फोन, सबको पता है, ग्राम वैल ने एक फोन को डिस्कवर किया, उसमें एक हाथ में दो स्पीकर में और एक हाथ में इस तरह से हम बात करते थे कान लगा के। तो अकॉर्डिंग टू नीड हमने चेंज करते चले गए हमने चेंज। फिर हमने फोन को चेंज किया तो हमने एक डायलर वाला, इस तरह घुमाने वाला फोन लेके आया गया, ठीक है। तो उसके बाद नहीं कि भाई दोबारा से नंबर को इन तो नहीं मिलता, तो दोबारा से उसको करना पड़ा। फिर हमने अपने अकॉर्डिंग के लिए नीड चेंज किया, हमने कीपैड वाला किया फोन, टेलीफोन ही किया था। फिर उस पर डायल का बटन दबाया गया था कि हमें पूरे नंबर दोबारा से ना मिले अगर नहीं मिलता है। उसके बाद कि नहीं भाई, हमें किसी को दूसरे रूम में बात करनी है लेकिन फ़ोन का कनेक्शन वहाँ पे है, तो हमने क्या कहा, एक कॉर्डलेस वायरलेस फ़ोन का किया। फिर ऐसे ऐसे कि भाई हम हमारे घर में इस तरह से वायरलेस का फ़ोन का कर सकें, तो भाई सर दिमाग में आया कि मोबाइल फ़ोन, फोन चेंज हो गया, अकॉर्डिंग टू नीड चेंज हुआ है, हमने हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया, ठीक है। फिर फोन आया, मोबाइल फोन आया, भाई इसका भी एक लॉक टाइम पे भी, जहाँ पे भी टावर वगैरह वहाँ पे तो हम यूज़ कर सकते हैं आराम से, लेकिन फिर फोन की भी आपने स्क्रीन देखी, बिल्कुल छोटी सी नंबर आता है इस तरह से। फिर थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ी बड़ी स्क्रीन आई, टेक्स्ट मैसेजेस करने के लिए आया, फिर थोड़ी और चेंज हुआ और चेंज हुआ, और आज हमारे पास कैसे फ़ोन है, स्मार्टफोन है, चाहे टीवी का रिमोट कंट्रोल करना है, इसी का रिमोट कंट्रोल करना है, कोई भी है, गूगल मैप, एक्स वाई जेड, कोई भी चीज़ है, आज हमारे पास क्या है बेटा, स्मार्टफोन्स है। तो मतलब चेंज हो गए हैं सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू नीड, ये तो हमने चेंज की है। अब ये देखो, उसी उसमें हमने क्या चेंज करते चले गए, आज हमारे पास एक नई चीज़ है, ठीक है। हालांकि अब हमें ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें चाहे म्यूजियम में देखने को मिल जाएगी या किस तरह से हमें देखने को मिल जाते हैं। पर अगर हम नॉर्मल बात करें बेटा, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो हमने क्या पाया है कि ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म भी अपने एनवायरनमेंट में कंडीशन में चेंज हुआ, तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया, फिर और नई जनरेशन आई, फिर उसमें और वेरिएशन दिए, वेरिएशन दिखे, और आज क्या बन गया, एक नई चीज़ बन गई, जिसे हम ह्यूमन बींग है। आपने सब हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो, आदि मानव के बारे में पढ़ते होगे, आप सब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, तो आपने क्या देखा कि आदि मानव किस तरह से थे, फिर उनके अंदर धीरे चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, आज हम किसके अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, मॉडर्न मैन के अंदर। क्या आपको कोई आदि मानव दिखता है? नहीं। तो चेंज होता होता नई स्पीसीज बनती हुई चली गई, तो वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, एवोल्यूशन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? इवोल्यूशन। तो अगर हम बात करेंगे इवोल्यूशन, तो इसको दो फेज में पूरा किया गया। एक हम सबसे पहले तो इस अर्थ पर लाइफ कैसे आई, ऑरिजन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑरिजन ऑफ लाइफ। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। उस लाइफ के अंदर कैसे चेंज होता चला गया और एक नई स्पीसीज बनती हुई चली गई, जिसे मेन हम नॉर्मल क्या नाम दे रहे हैं, इवोल्यूशन कह रहे हैं। एक नई स्पीसीज किस तरह से बनी है, किस नई स्पीसीज किस तरह से बनी है, और सबसे पहले आज हमारे वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ऑरिजन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? ऑरिजन ऑफ लाइफ। किस लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तभी तो हमें पता लगेगा स्पीसीज कैसे बनी है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑरिजन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? ऑरिजन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। ओके बेटा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, होल्ड अप करना प्लीज वन टाइम। देखो तो हम इससे पहले क्या पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा, ऑरिजन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे टेंथ के अंदर ऑरिजन ऑफ लाइफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में एक पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है, हमें पढ़ना है। लेकिन मैं आपको भी आपको सीधा स्पीसीज को इवॉल्व ना होते हुए दिखाकर, हम आपको सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, ऑरिजन ऑफ लाइफ।
क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन को दो फेज में कंप्लीट किया गया कि नहीं, पहले लाइफ कैसे आई इस धरती के ऊपर, ठीक है, लाइफ किस तरह से आई इस धरती के ऊपर, और उसके बाद लाइफ जब आई है तो उनके अंदर चेंज होते होते बनते चल के फिर नई स्पीसीज, नया ऑर्गेनिज्म किस तरह से बने। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो हम हमारे वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, ऑरिजन ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लाइफ, तो देखो यहाँ पर लाइफ कहाँ है, इस अर्थ पर है, तो अर्थ बने, अर्थ किसके अंदर आता है, यूनिवर्स के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर आता है, सोलर सिस्टम किसके अंदर आता है, यूनिवर्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरिजन ऑफ यूनिवर्स, ये जनरल है बेटा, आपने भी पढ़ रखा होगा यूनिवर्स। फिर अगर हम बात करेंगे तो इसी के अंदर सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, अर्थ वगैरह का ऑरिजन। सबसे पहले यूनिवर्स बना है, ये जितनी भी चीजें हैं, दीज ऑल आर द अजम्पशंस, क्योंकि मिलियंस ईयर एगो पहले घटी हुई घटनाएं हैं, जहां पर देखने के लिए कोई ह्यूमन बींग, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था कि वो देख पाते, लिख पाते, सारी चीजें कर पाते। तो अब ध्यान देंगे, ये खाली अजम्पशंस है कि जो यूनिवर्स है वो 15 बिलियन to 20 बिलियन ईयर एगो पुराना है, 15 बिलियन मतलब 15,000 मिलियंस, 15 और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मतलब 1,50,000 लाख साल पहले, समझ रहे हो कितना ज्यादा। अब हालांकि मैं तुम्हें एक वीडियो के अंदर ही सारी चीजें बता दूंगी, तो ये मत सोचना कितनी जल्दी सारी चीजें हो गई है, सब में लाखों साल का गैप है, सब में होने में क्या, धीरे 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 चेंजेस होते हैं। हमने तो एकदम से फोन में चेंज कर दिया विद इन 60 ईयर्स के अंदर, विद इन 75 ईयर्स के अंदर हमने फोन को चेंज कर दिया, और जो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं फोन वगैरह के अंदर, कोई भी नई टेक्निक्स के अंदर फोन आए हैं, जो भी चेंजेस आए उन मोस्टली इन 10 ईयर्स के अंदर ज्यादा है, आपको सबको पता है, वो तो हमने अपने अकॉर्डिंग करते चले गए बेटा, हमने अपने अकॉर्डिंग कर दिया वो सारी, लेकिन नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता है, नेचर में ऐसा कुछ नहीं, नेचर को करने के लिए, चेंज होने के लिए मिलियंस ईयर का टाइम लगा है, क्या लगा, मिलियंस ईयर का टाइम। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑरिजन ऑफ यूनिवर्स, तो 15 बिलियन से लेकर 20 बिलियन ईयर एगो पहले क्या यूनिवर्स बना है, इट्स ऑनली एन अजम्पशन, जो रॉक जहाँ पे है उन्हीं से, जो कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने स्टडी करके बताया कि इस तरह से हुआ होगा, ऑनली अजम्पशंस है, कोई देखने वाला नहीं था, जिस तरह से मार्वलस चेंजेस हुआ है उसको देखने वाला कोई नहीं था। और एबी लमार्टी, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया, सबको बताया बिग बैंग थ्योरी, बताया ना बेटा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, आपने भी केमिस्ट्री के अंदर बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हो, किस तरह से आता है कि जो भी आज जो कॉस्मोलॉजिस्ट उन्होंने बताया, जो एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, इन्होंने क्या कहा, जो भी केमिकल्स थे, जो भी हम कंपाउंड्स थे, वो एक जगह इकट्ठे होते चले गए, इस तरह से क्या हो गए, कंसंट्रेटेड बन गए, और जैसे कंसंट्रेटेड बन गए हैं तो इनके अंदर ब्लास्ट हुआ है, इनके अंदर क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ है, जो हाइड्रोजन थे उनके न्यूक्लियस थे वो दूर दूर जाके चले गए हैं, क्या जाके चले गए हैं बेटा, दूर दूर जाके चले गए हैं, ठीक है, जिससे किसकी, जिससे हम क्या कहते हैं कि भाई क्या बन गया है, यूनिवर्स बन गया है, क्या बन गया है, यूनिवर्स, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी, सबको पता होगा, अब पढ़ते भी आ रहे हो, तो जितने भी पहले के टाइम जैसे कि कोई चीज है, चीज घट रही है, ठीक है, तो वो चीज किस तरह से घट रही है, तो जो मॉलिक्यूल्स थे बहुत पास 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 होते चले गए और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल जितने भी इसमें, अब देखो जो स्टार्स है उन्हीं से तो बने हुए, और एक मिल्की वे के अंदर अगर हम, मिल्की वेज बनी है, 1 लाख मिलियंस मिल्की वेज प्रेजेंट है, हर मिल्की वेज के अंदर कितनी चीजें प्रेस, कितने स्टार्स प्रेजेंट है, 10,000 मिलियंस ऑफ द स्टार प्रेजेंट है, तब इमेजिन करो किससे बने हैं, उसको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर से बने हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स से धीरे 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 जो भी हम कहीं पर एनवायरमेंट जो भी लगा लो उस टाइम पे इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद क्या उनके अंदर ब्लास्ट हुआ है, अंदर प्रेशर रिपल्शन सब चीजें लग रही है और क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, और जितने भी आपको सबको पता है स्टार वगैरह में हाइड्रोजन हीलियम ये मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होता है, सब दूर 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 बिखरते हुए चले गए और किसकी फॉर्मेशन हो गई, यूनिवर्स। एबी लमार्टी ने ये किस तरह से किया है, ये एक जगह जाके किया, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे एक पेन की जो बोल होती है इस तरह से उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा होता है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड किया, जब एक जगह पे सारे जाके इकट्ठे हो गए हैं तो एकदम से उसके अंदर ब्लास्ट हो गया, तो वहीं से उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि ऐसे क्या बना होगा, यूनिवर्स बना होगा, और इस थ्योरी को उन्होंने क्या नाम दिया है बेटा, बिग बैंग थ्योरी नाम दिया है, क्या नाम दिया है, बिग बैंग थ्योरी नाम दिया है, सॉरी बेटा एक बार ओके
ओके क्या नाम दिया इन्होंने, बिग बैंग थ्योरी इसने नाम दिया है। जब इस बिग बैंग थ्योरी में आके यूनिवर्स बन गई तो उन्होंने क्या कहा, इस यूनिवर्स के अंदर 1,00,000 millions ऑफ क्या है, गैलेक्सीज बनी। क्या बनी, गैलेक्सीज। और हर गैलेक्सीज के अंदर ईच गैलेक्सी हैव, एंड ऑप्शन है बस, इज गैलेक्सी हैव क्या होते हैं, 10,000 million स्टार्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्टार्स प्रेजेंट है। धीरे धीरे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई होगी, सोलर सिस्टम्स बने होंगे। क्या बने होंगे, सोलर सिस्टम बने होंगे, प्लैनेट बने होंगे। और हमारा प्लैनेट क्या है, अर्थ है। और हमारे प्लैनेट अर्थ की जो मिल्क, जो हमारी गैलेक्सी है, सबको पता ना हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है बेटा, मिल्की वे ए। यही से हम क्या नाम देते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश गंगा। और हमारी मिल्की वे के अंदर क्या है, सन है। और सन के क्या है, ये प्लैनेट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। तो पहले सोलर सिस्टम बना है, पर धीरे धीरे इसको भी लाखों ईयर लग गए हैं, इसको भी क्या लग गए हैं, लाखों ईयर। मॉलिक्यूल्स भी इकट्ठे हुए, उन्होंने प्लैनेट्स वगैरह बनाए, कॉस्मोइड्स बनाए, एस्ट्रोनॉइड्स बनाए, ये सारी चीज़ें बनी है, ये सारी चीज़ें बनी है। ये खाली अजम्पशंस है, ऐसा किसी ने प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया गया है, सोचा है खाली कि इस तरह से सारी चीज़ें हुई है। बिग बैंग को करके देखा गया कि हाँ भाई इस तरह से हुआ होगा उस टाइम यूनिवर्स भी। तो सारी की सारी ये चीज़ें क्या है बेटा, अजम्पशंस है, याद रखना। इसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, इस तरह से क्या बने होंगे भाई, सेपरेट हुए होंगे, इकट्ठे ऐसे चले गए, आकाश गंगा मतलब गैलेक्सीज बना दिए होंगे, गैलेक्सीज में स्टार्स बन गए होंगे। और उन स्टार्स में अगर हमारे पास फिर सोलर सिस्टम्स बने, और सोलर सिस्टम के अंदर जब हमारे पास, हम एक ही हमारा जब लाइफ सर्वाइव करे अर्थ ही है, और उस अर्थ की जो गैलेक्सी उसका नाम क्या, मिल्की वे, आकाश गंगा है। ठीक है बेटा, तो यूनिवर्स इस तरह से बना, धीरे धीरे चेंजेस हुए, धीरे धीरे चेंजेस हुए। और हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो ओरिजिन है वो है 4.5 billion years ago। ये अगर हम बात करेंगे तो 4,500 million years ago। कुछ भी चीज लिखी मिल सकती है आपको, इंपॉर्टेंट है। ये सोलर सिस्टम बना है तो उसके अंदर जो हमारी अर्थ की फॉर्मेशन है वो 4.5 बिलियन ईयर एगो एंड 4,500 million years ago है। ठीक है, यहाँ से निकाल के फॉसिल से निकाली गई है, कितनी लाइफ है, बनी है, बनते हुए किसी ने भी नहीं देखा। देखो अब यूनिवर्स तब बना था, और इसके इसके बीच का गैप देखो 11.5 बिलियन ईयर मतलब 11,000 लाख साल का गैप है। ऐसी चीजें नहीं बननी, आपको एक वीडियो में लगेगा एक घंटे के अंदर सारी चीजें हो गई होंगी, एक घंटे में नहीं, चेंज होता होता लाखों साल का गैप लगा है। एक आदि मानव से ह्यूमन बीइंग बनने में भी लाखों साल का गैप लगा है। ठीक है, तो धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं नेचर के अंदर, क्या धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं। तो हमारी अर्थ जो बनी है, जिसका ओरिजन कब हुआ है, 4.5 बिलियन से लेकर 4.5 बिलियन या 4,500 million years ago पहले क्या है, ओरिजिन ऑफ अर्थ है। क्या है, ओरिजिन ऑफ अर्थ है, अर्थ बनी। और इस अर्थ के ऊपर हम क्या कह रहे हैं, लाइफ बनी। लाइफ को भी बनते हुए किसी ने नहीं देखा, अभी तक की जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक है वह 4.3 बिलियन years ago की, जब तक की सबसे पुरानी रॉक मिली है फॉसिल से, उसकी सॉरी जो से स्टडी की गई, उसकी एज निकाली गई तो 4.3 बिलियन ईयर एगो है। और उस रॉक के अंदर कोई भी लाइफ के एविडेंस नहीं मिलते हैं, कोई भी लाइफ के एविडेंस नहीं मिलते हैं। जिन रॉक्स के अंदर लाइफ के एविडेंस मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं लाइफ के एविडेंस, वो 3.9 बिलियन ईयर एगो की है। ठीक है, जिसके अंदर लाइफ, और ये सारी रॉक किसकी बनी हुई है, कार्बोनेट्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, कार्बोनेट्स की बनी हुई है। जो सबसे पहला जो फर्स्ट एक फॉसिल मिला है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या मिली हुई है, साइनोबैक्टीरिया है। क्या है बेटा, साइनोबैक्टीरिया है, जिसकी लाइफ 3.6 बिलियन ईयर एगो पुरानी है। लाइफ निकाली तो 3.6 इन्हीं रॉक्स के अंदर मिली है, जो रॉक है उसकी एज तो 3.9 बिलियन ईयर एगो है। देखो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अर्थ 4.5 बिलियन, तो उसके कितने लाख साल बाद रॉक्स बाद में बने हो, कैसे चेंजेस हुए होंगे,
उसके बाद लाइफ अगर फिर रॉक तो हम बोलते हैं कि एविडेंस जो है वो इतने पुराने होंगे, लेकिन नहीं, अभी तक तक जो फॉसिल मिला है साइनोबैक्टीरिया है, और सबको पता है साइनोबैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो फोटोसिंथेसिस करता ऑर्गेनिज्म है, ये इसका एविडेंस मिला है साइनोबैक्टीरिया जो 3.6 बिलियन ईयर एगो है। तो इसे अजम्पशन लगाते हैं कि भाई तो बाद में बना, इससे पहले और चीज़ें बन चुकी है, कि पहला जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक नहीं बना है, पहला ऑर्गेनिज्म कीमोट्रॉपिक बना है और कीमोहेट्रोट्रॉपिक बना है वो भी। सो ठीक है बेटा, ये याद रख सर, कीमो ऑटोट्रॉफिक बना है, क्या बना है, कीमो ऑटो नहीं सॉरी पहले बना है हेट्रोट्रॉफिक, फिर बनेगा कीमो ऑटोट्रॉफिक, हम आपको सारे बताएंगे। तो इसमें और इसमें भी होने में एविडेंस की यहाँ से, क्योंकि कार्बोनेट यहीं से लिविंग ये फॉसिल मिला हुआ है, साइनोबैक्टीरिया यहीं इन्हीं रॉक्स के अंदर मिला है, तो जब से भाई यहाँ से चेंज होता होता फिर ये साइनोबैक्टीरिया बना होगा। तो लाइफ को बोलते हैं कि एविडेंस की जो प्रूफ है, बाकी सारी चीजें अजम्पशन है, धारणा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि 3.6 बिलियन ईयर है वो पहले क्या हो चुकी है, लाइफ का ओरिजिन हो चुका है। ओके क्लियर है। 4.5 बिलियन तो क्या है, अर्थ बनी है, और लाइफ का जो पहला एविडेंस है 3.6 है, तो अगर हम बात करेंगे तो कितना साल का गैप होगा, 900 मिलियन ईयर का गैप हो चुका है। तो ये एक दिन की बात मत समझना, बहुत धीरे 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 चेंजेस हुए हैं, और उसके बाद में आज जब हम सर्वाइव कर रहे हैं तो बहुत लाखों सालों का क्या है उसके अंदर गैप है। इतने मेरी बात समझ में आई बेटा। तो यूनिवर्स बना, यूनिवर्स में गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम्स बने, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स बने, और अभी तक अगर हम बात करें जिस प्लैनेट पर अर्थ लाइफ संभव है वो ओनली एंड ओनली हमारा प्लैनेट अर्थ ही है, और बहुत साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ होगी, क्या पता और भी गैलेक्सीज हो, इतनी एक 1 मिलियन क्या पता वहाँ पर भी कोई सोलर सिस्टम हो, वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो, कोई किसी को कुछ नहीं जानता, इसीलिए रॉ स्टडी की जाती है, एलियंस भाई दूसरे ग्रह के जिसे आप बोलते हो, ये तो हमारी गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम के हम ग्रह की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें और जितनी लाख मिल्की वेज है उसके लिए जो सोलर सिस्टम्स है वहाँ पर भी तो प्लेनेट हो सकते हैं, वहाँ पर भी तो लाइफ हो सकती है। अभी तक सब चीज़ रिसर्च में अंडर सर्च है कि क्या किस तरह से है या नहीं, आप सब देखते हो, आप जो बच्चे को जिनको इसमें इंटरेस्ट होता है वो सब इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो इस तरह से हमने क्या कहा, एक छोटी 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 सी चीज़ के अंदर बताया कि भाई यूनिवर्स बना होगा, देन गैलेक्सीज बनी होंगी, गैलेक्सीज के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या बना होगा बेटा, क्या इसके अंदर सोलर सिस्टम्स बने होंगे, और सोलर सिस्टम्स के अंदर क्या बना है हमारा प्लेनेट अर्थ, और अर्थ के ऊपर क्या बनी है, लाइफ बनी है। अब आ जाता है कि इस लाइफ भी किस तरह से बनी होगी, भाई हमने बता तो दिया कि लाइफ बनी है इस तरह से बनी है, तो हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि लाइफ बनी किस तरह से है, तो इसके बारे में काफ़ी थ्योरीज है, क्या बेटा इसके बारे में काफी थ्योरीज है। सबसे पहले थ्योरी आती है सुपर क्रिएशन, फिर आती है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, फिर आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, फिर उसके बाद मैं आपको सीधी जो मेन है वो थ्योरी नहीं बता रही, इसमें ध्यान देना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी आती है, उसके बाद जो आती है पैनस्पर्मिया थ्योरी, और उसके बाद जो लास्ट थ्योरी आती है वो क्या आती है, केमिकल थ्योरी और नेचुरलिस्टिक थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये जो सारी थ्योरीज हैं, दीज आर रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। सुपर क्रिएशन क्या समझ सकते हैं, सुपर क्रिएशन कौन है, हमारा भगवान है, कौन है हमारा भगवान, फादर सोरस नाम के थे, ठीक है, जो बाइबल के अकॉर्डिंग फादर सोरस, ठीक है, बाइबल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, द सुपर क्रिएशन इज ओनली एंड ओनली गॉड, कौन है, भगवान है गॉड, उन्होंने 6 दिन के अंदर इस पूरे यूनिवर्स की रचना कर दी, पहले दिन उन्होंने यूनिवर्स बनाया, दूसरे दिन गैलेक्सीज बनाई, उसके बाद उसके अंदर सोलर सिस्टम्स बनाए हैं, सोलर सिस्टम के बाद इन्होंने क्या बनाया, प्लैनेट्स बनाए हैं, उसके बाद इन्होंने पहले दिन पे पानी का फॉर्मेशन किया, उसके अंदर रहने वाले जीवों का उत्पन्न किया है, उसके बाद और लास्ट में ह्यूमन बींग बनाए, लास्ट में क्या बनाया, ह्यूमन बींग, और उन्होंने क्या कहा भाई, दो ही पहले जिससे पहले दो ही ह्यूमन बींग बनाए, एडम एंड ईव, हम बोलते हैं ना मैन के अंदर एडम्स एप्पल,
और मैंने जब भी एडम सैपल बताया तो मैंने आपको बताया कि एडम को सबसे पहला आदमी कहा गया था, किस अर्थ पर जो आदमी सबसे पहले आया है जो मेल है वो क्या है, एडम नाम दिया है वो। ये फादर सोरास की थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि भगवान है, सुपर क्रिएशन है, इस अर्थ पर दो आदमी दो भेजे, एक फीमेल और एक मेल भेजी। फीमेल कौन थी? ईव, और मेल कौन था? एडम। हम जितने भी ह्यूमन बींग हैं उन्हीं की उत्पत्ति है, ठीक है। लेकिन साइंस क्या मांगती है? प्रूफ दो, क्योंकि फॉसिल्स मिले हैं उस टाइम, क्योंकि तो अभी ये रिसेंटली में लगे अगर हम बात करें, फॉसिल्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप हमें एविडेंस दो अगर ये चीज़ें हैं तो आज ह्यूमन बींग जैसा है तब भी लाखों साल पहले अगर ऐसा ही था तो फॉसिल्स किसके मिल रहे हैं? एक ऑर्गेनिज्म आज जैसा है लाखों साल पहले ऐसा ही था तो फॉसिल्स किस चीज़ के मिल रहे हैं? एविडेंस। एविडेंस मांगते, इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, क्योंकि आज भी अगर हम बात करते हैं बेटा बहुत चीज़ें हमने ढूंढ ली है एविडेंस, लेकिन उसके बावजूद हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम आज की चीज़ें हमें प्रूफ मिल गया उसकी कोडिंग हम कहते चले गए, लेकिन उस प्रूफ से पहले हम यही बात करेंगे ये चीज़ कैसे बनी होगी, कोई नहीं, उसके ऊपर एक इवोल्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा है, और सब फिर वहीं चले जाते हैं भगवान की है। हम बोलते ना कुछ भी हो जाए, आज हम बहुत कोई साइंस का बहुत बड़ा हो जाता है, लास्ट में कुछ भी चीज़ आएगा तो वो भी उसके पास भी क्या आ जाएगा, भगवान गॉड। तो इन्होंने क्या कहा अकॉर्डिंग टू फादर सोरास, बाइबल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि भगवान है, क्रिएचर कौन है? गॉड है। अगर हम बात करेंगे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, सबको पता है हमारा क्रिएचर कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा भगवान है। कौन है? सबको पता है ना ब्रह्मा भगवान है। इन्होंने क्या कहा बताओ भाई, इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने नौ अवतार बताए भगवान के, विष्णु भगवान के, जिसके अंदर धीरे धीरे सार बोला कि पहले अवतार में ये बना, दूसरे अवतार में मत्स्य बना, तीसरे अवतार में मकर मगरमच्छ ये रेप्टाइल्स वगैरह बने इस तरह से, और लास्ट के अंदर क्या बने, ये जो भगवान बने कृष्ण भगवान ये बने। तो इन्होंने क्या कहा अभी कौन बने? ह्यूमन बींग्स बने। क्या बने? ह्यूमन बींग्स। और इस धरती पर कहते हैं कि जो रचना है वो मनु की, और हमारे इंडिया में ठीक है इन्हीं की क्या है बेटा, हमारे यहाँ पे रचना है मनु, एक मिनट रुको बेटा दिमाग से शुरू, उसमें तो एडम एंड ईव थे, यहाँ पे हमारे पास क्या था मनु था, एंड दिमाग से स्लिप करना, एक मिनट रुको बेटा प्लीज। सॉरी, मनु एंड श्रद्धा, कौन थे? मनु एंड श्रद्धा था। याद आ गया अभी कभी, मैं देखने गई थी बुक में क्या है तभी कभी याद आ गया, कोई नहीं भूल जाते हैं कभी कभी। तो मनु एंड श्रद्धा क्या कहे हम, किसकी संतान, किसकी उत्पत्ति है? मनु एंड श्रद्धा की। लेकिन हर चीज़ क्या मांगते हैं? प्रूफ मांगते, किसी ने इसका प्रूफ नहीं दिया, तो इन थ्योरीज को डिस्कार्ड किया गया, इन थ्योरी को क्या किया गया? डिस्कार्ड किया गया। फिर आई थ्योरी कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी आई। कैटास्ट्रॉफिक से आप समझते हो कि जो यूनिवर्स है, जो कॉस्मोस और रिएक्शंस होती है उनके अंदर, कि जो एस्ट्रोनॉइड्स है ठीक है, कॉस्मोइड्स होते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, टूटने के बाद इनकी जो केमिकल निकलता है, जो निकलेंगे उनसे क्या बनेगी? एक लाइफ बनी होगी, उनसे क्या बनी होगी? लाइफ। आज भी तो टूट जाते हैं, उनसे तो कोई लाइफ ओरिजिन नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला और ये थ्योरी भी क्या कर दी गई? डिस्कार्ड कर दी गई। फिर आई स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इन्होंने क्या कहा कि जो लाइफ बनी हुई है, लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा इन्होंने, नॉन लिविंग चीज से लाइफ बनी है, ऑर्गेनिज्म भी नहीं कहेंगे। इन्होंने क्या कहा कि जो लाइफ बनी है वो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी है। किससे बनी है? नॉन लिविंग थिंग्स से बने। इसमें एरिस्टोटल का नाम जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, इन्होंने काफ़ी इस तरह के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या कहा कि जो नील नदी का कीचड़ है, मड ऑफ नील, उनसे मगरमच्छ ठीक है क्या बने होंगे, क्रोकोडाइल बने हैं, उनसे फ्रॉक्स बने, उनसे ये सारी चीज़ें बनी है। अब कीचड़ से क्यों चीज़ें नहीं बनती? और एक ने तो क्या कहा, जो हमने गेहूं, जो हमारी स्वेट की पूरे दिन की हमारी शर्ट पहनी हुई है, पूरे पसीने से भीगी हुई हमारी शर्ट है, और उस पसीने की शर्ट के अंदर हमने गेहूं रख दिया गया है, एक मुट्ठी भर गेहूं रख दिया गया है, और उसको बिल्कुल बंद करके रख दिया, और उसको 14 डेज बाद देखा तो आप उस गेहूं की जगह क्या है, रैट है, चूहे बन गए हैं, उसे क्या बन गए हैं, चूहे। भी गेहूं नॉन लिविंग था फिलहाल के टाइम, क्योंकि उसको निकाल लिया गया है, और उस पसीने से शर्ट से अब क्या बन गया है, रेड। लेकिन वहाँ पे बड़ा भी प्रूफ दो रखा गया, कुछ भी नहीं बना ऑब्वियसली, वहाँ पे बस रेड क्या था बेटा, वहाँ पे गेहूं रखा गया और चूहा उस गेहूं को खाने के लिए आया होगा ठीक है, वहाँ पे जो भी चूहा है चूहिया है उसने, मतलब उसने वहाँ पे न्यूमन्स को बर्थ कर दिया होगा, वो चूहा पूरा खा गया होगा, जिसने शर्ट खोली तो क्या निकले, उसमें चूहे के बच्चे निकले
ठीक है, तो क्या था ये, कोई नहीं थी कि नॉन, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे आए। फिर एक ने क्या कहा कि भाई नॉन लिविंग चीज से बनी हुई है, तो यहाँ पे एक फ्रेंसी को रेडी आई, फ्रेंसी को रेडी, इन्होंने क्या कहा कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग से बनी है। इस तरह से इन्होंने क्या लिया, तीन जार लिए, तीन जाले, उन तीनों के अंदर क्या रखा, बॉइल्ड, इन तीनों के अंदर उन्होंने क्या रखा, बॉइल्ड मीट रखा, क्या रखा, मीट को अच्छे से बॉइल्ड किया, मीट का टुकड़ा रख दिया, एक को कंप्लीटली क्या किया, इसको कवर कर दिया लकड़ी का स्टॉपर लगा दिया, इसका आर पार कोई एरिएशन नहीं, एक को इसने कपड़े से कवर रखा, क्लॉथ से कवर रखा, और एक को इसने क्या रखा, ओपन रखा, क्या रखा इसने, ओपन रखा, और उन्होंने क्या कहा, इसको थोड़े दिन के लिए रख दिया, रखा, तो इन्होंने क्या देखा, ये मीट के अंदर कुछ भी नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई दिया, इस मीट के ऊपर भी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई दिया, यहाँ पर कुछ इंसेक्ट दिखाई दिया, हाउस फ्लाई दिखाई दिया, और मैगोट्स किसी के लार्वा दिखाई दिए, और ये मीट पूरी तरह सड़ चुका था, यहाँ पे इंसेक्ट दिखाई दिए, मैगोट्स लार्वा वगैरह यहाँ पे दिखाई दिए। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई नॉन लिविंग से क्या उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर किसकी ओरिजिन हुआ होगा, लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा, किसका ओरिजिन हुआ है बेटा, यहाँ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ है। लेकिन इसको थ्योरी को बाद में कहा गया भाई लाइफ तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी वहां पे, एयर से ये सारी चीजें आई है। हाँ, इन्होंने फ्रेंसिस को रेडी ने यही कहा था, देखो लाइफ किसी नॉन, क्योंकि ये जो अजम्पशंस कह रहे थे कि नॉन लिविंग चीजों से आई है, ये जो अजम्पशन जो जो चीजें कह रहे थे कि नॉन लिविंग से क्या है, कीचड़ से ये चीजें बन गई होगी, गेहूं के सड़े हुए गेहूं से ये चीजें बन गई होगी, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने इसको प्रूव करके दिखाया फ्रेंसिस को रेडी ने, क्या कह रहे हैं, बॉइल्ड मीट लिया इस तरह से, एक को बिल्कुल पैक्ड कर दिया, एक को क्लॉथ रख दिया, एक भी यहाँ पे जा ही नहीं सकते थे, तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, एयर से आई, तो ये बिल्कुल ओपन रखा तो एयर के अंदर स्पोर्स है, वहाँ पे ये आई, ये सड़ना शुरू हो गया, यहाँ पे कीड़े पड़ गए, और यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह इसको खाने के लिए आए, हाउस फ्लाई आई, तो यहाँ पे दिखाई दिए। तो बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको नहीं माना, उसने कहा क्या कहा भाई तुमने इसके अंदर तो बॉइल्ड मीट नहीं रखा होगा, इसलिए उसकी स्मेल से वहाँ पे आ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर इसको स्प्लैन जैनी ने भी बताया, किसने बताया बेटा, स्प्लैन जैनी ने भी बताया, इस तरह से उसने भी सबके सामने पब्लिकली बॉइल्ड कर दिया मीट, और ऐसे उसने कवर करके रखा, तो सबको इसने बिल्कुल पैक कर दिया इस तरह से, तो उन्होंने देखा भी बिल्कुल पैक करने के बाद में नहीं आए इस तरह से। फिर इनको, क्योंकि इनको भी कोई इंटेलिजेंट नहीं माना था, नहीं इनमें कोई भी बात नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि लाइफ ओरिजिन तो हो रही है प्रीवियस लाइफ से, पहले यार में जो लाइफ उसी से नई लाइफ बनी है भाई, इंसेक्ट का लार्वा कहीं पे होगा, एग कहीं पे प्रेजेंट होगा, एग यहाँ पे आया, उसको मीट को, मीट के ऊपर गिरा, उसको फूड मिला, फूड से उसको क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया इस तरह से, तो इस साथ में लाइफ से लाइफ बन रही है। उन्होंने कहा था लाइफ से क्या बन रही है, लाइफ, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है नई लाइफ कैसे बनेगी, ओरिजिन ऑफ न्यू लाइफ इस धरती पर लाइफ किस तरह से आएगी। तो सब मैं मानने के लिए तैयार नहीं थे, अभी भी कह रहे थे कि जो मास्क के टुकड़े हैं वहां से ही बना होगा उसी से। फिर लुईस पाश्चर ने इसको दोबारा से प्रूव किया, इन्होंने क्या लिया, एक स्वैब नेक फ्लास्क लिया, क्या लिया इन्होंने, एक स्वैब नाक नेक फ्लास्क लिया इन्होंने, इस तरह से ये फ्लास्क हो गया, और उसकी नेक की लंबी थी स्वैन जैसी, इस तरह से इन्होंने लिया, और पब्लिकली यहाँ पे क्या रखा इन्होंने, जो मीट है मीट को बॉइल करके उसका सूप रखा, क्या रखा, उसका शोरबा रखा, ये बॉइल्ड मीट सूप जिसे ब्रॉथ भी कहते हैं, वो चीज से रखी गई, और वहां पे इन्होंने क्या देखा, रखा गया उसके सबके सामने, उसने एक्सपेरिमेंट किया, कंटिन्यू इसको बॉइल किया इस तरह से कि बॉइल हो चुका है, तुम्हारे सामने बॉइल हो चुका है, अब उसने इस चीज को रखा गया, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे जो थे यहाँ से एयर का पास भी नहीं बन रहे थे, यहाँ से ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए नहीं बना। अब उसने क्या किया दूसरा, इसी एक्सपेरिमेंट में जब तीन चार दिन देखा कि नहीं बना, तो उसने अभी स्नैक को यहाँ से तोड़ दिया, इस स्नैक को यहाँ पे तोड़ दिया, अब उसके अंदर क्या देखा कि इसके अंदर अब ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज एयर में जो थे अब आप इसके अंदर चले गए हैं, और क्या बन चुकी है लाइफ, यहाँ पे उससे बन चुकी है। उन्होंने सबने यही पूरा कि लाइफ कैसी नॉन लिविंग थिंग से नहीं आ रही, कीचड़ से लाइफ बन गई, इससे लाइफ बन गई है, उन्होंने कहा कि लाइफ तो पहले जो लाइफ है उसी से बन रही है, बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि नई लाइफ किस तरह से बन रही है। तो इन्होंने किसी ने भी प्रूव नहीं किया कि इस धरती पर लाइफ किस तरह से आती है, किसी ने भी प्रूव नहीं किया। देखो भाई आपके सिलेबस से कहीं पर भी लेना देना नहीं है, हमारे सिलेबस के अंदर जो दे भी रखे है, बोर्ड में भी आपको केमिकल थ्योरी दे रखे है, लेकिन आपको सीधा केमिकल थ्योरी पर नहीं लेके जाती हूँ, बिकॉज आपको फिर समझ नहीं आया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें भी हुई है, ठीक है। फिर आई पैरास्पर्मिया थ्योरी,
पैनस्पर्मिया का मतलब क्या है, आसमान से बारिश होती है, बारिश मतलब इन स्पर्म्स की बारिश होती है, स्पर्म मतलब आसमान से जो चीजें आती है, क्लाउड से, कॉस्मिक से, वही कॉस्मो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी से मिलती जुलती थ्योरी थी कि वहां से आएंगे और वहां से स्पोर इस उसमें आसमान से गिरते हैं और फिर क्या बनते चले जाते हैं, ऑर्गेनिज्म बन गए, बट कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो सारी थ्योरी अभी तक की क्या कर दी गई, डिस्कार्ड कर दी गई, क्या कर दी गई बेटा, फेल्ड कर दी गई, क्या कर दी गई, सारी थ्योरीज फेल कर दी गई। अब थ्योरी आई केमिकल और नेचुरलिस्टिक थ्योरी, कौन सी थ्योरी आई, केमिकल और नेचुरलिस्टिक थ्योरी, केमिकल एंड नेचुरलिस्टिक थ्योरी, या इसे हम क्या कहेंगे, मॉडर्न थ्योरी कहेंगे, जो कि इन्होंने दी ऑपरेन एंड हेल्डन ने, अलग अलग दिया उन्होंने, दिया इन्होंने अजम्पशंस, ऑपरेन एंड हेल्डन ने दी, ठीक है। ऑपरेन रशिया से बिलोंग करते थे और हेल्डन बाद में आके शिफ्ट कहाँ पे हो गए थे, उड़ीसा के अंदर, कहाँ पे हो गए थे बेटा ये, उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में शिफ्ट हो गए थे। इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी। पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात की है, एंड आफ्टर दैट ये शायद जापान से यहाँ से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। इसका प्रॉपर नेम क्या, हम इसको यही पढ़ते हैं कि उन्होंने जो सिटीजनशिप ले ली थी वो कहाँ की ले ली थी, इंडिया की ले ली थी। इंडिया में भी वो कहाँ पे रहे, ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर रहे थे ये, ठीक है। तो ऑपरेन एंड हेल्डन ने क्या कहा कि जो लाइफ ओरिजिन हुई है वो केमिकल्स से हुई है, लाइफ जो ओरिजिन हुई है वो केमिकल्स से हुई है। ये एस्ट्रोनोमर थे बड़े, बहुत ज्यादा उन्होंने उसी से स्टडी करते हुए कि आसमान में जो चीजें बनी है वो केमिकल्स का ही तो रोल है। सन है, आप सन के बारे में पढ़ते हो, हाइड्रोजन हीलियम का एक गोला पढ़ते हो नहीं पढ़ते, तो इन्होंने सारी क्या कहा, इन्होंने केमिकल्स की लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो केमिकल्स है। इन्होंने जो चीजें बताई वो सारी थ्योरेटिकल बताई है, ओनली थ्योरी बताई है, इन्होंने इसको प्रूव तो नहीं किया, लेकिन इसको प्रूव करने वाले दूसरे साइंटिस्ट थे जो इनकी थ्योरी से इंप्रेस हुए और उन्होंने इसको प्रूव करके दिखाया। और वो जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, मिलर एंड यूरे थे, ठीक है। हम बताएंगे मिलर एंड यूरे थे, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेन एंड हेल्डन भी बोल देते हैं, हेल्डन भी बोल देते हैं। उन्होंने क्या कहा, लाइफ किससे ओरिजिनेट हुई है, केमिकल से ओरिजिनेट हुई है। तो उन्होंने जब ये, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने पता जब लाइफ एक मतलब अर्थ जब ओरिजिनेट हुई, तो अर्थ जो आज है, आज ठंडी अर्थ है, आज का हमारा इतना टेम्परेचर है, हमारे अर्थ पे जगह जगह पे पानी, और आज का जो एटमॉस्फेयर वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, 21% ऑक्सीजन है आज के हमारे अर्थ के ऊपर और फ्री ऑक्सीजन है। बट एट दैट टाइम जब अर्थ बनी है, अर्थ का जब ऑरिजन हुआ है, उस टाइम पर नो फ्री ऑक्सीजन। जब फ्री ऑक्सीजन नहीं होती है, ये याद रखो, तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, कैसा एटमॉस्फेयर था एट दैट टाइम, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। आप ये सेम वैसी रिएक्शन होती है जब आप एक केमिस्ट्री लैब के अंदर करते हो, केमिस्ट्री लैब में आपको कोई भी चीज़ बनानी होती है, हमेशा आप उसे वार्म करते हो और रिड्यूस करते हो, रिडक्शन करते हो, अपने फॉर्मेशन रिएक्शन हमेशा क्या कहलाई जाती है, रिडक्शन। तो ये में अगर हम कहते ना पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर आज की जैसा होता तो कभी भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि आज का जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है और ऑक्सीडेशन किसी को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ना कि किसी चीज को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उन्होंने किया कि उस टाइम जब अर्थ बनी थी वहां पे फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर क्या कहा, उन्होंने बुक लिखी और बुक ऑपरेन ने मेन लिखी, इसमें ऑपरेन का सबसे बड़ा हाथ है, और उन्होंने क्या लिखी, ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखी। ओनली इन्होंने थ्योरी बताई थी कि इस तरह से सारी चीजें हुई है, इन्होंने प्रूव नहीं किया, इसको प्रूव करने वाले दूसरे साइंटिस्ट थे, इसीलिए आज हम जिस थ्योरी को कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें केमिकल एंड नेचुरलिस्टिक थ्योरी के बारे में ही बात करते हैं बेटा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या बने होंगे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बने हैं, केमिकल्स बने हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में केमिकल्स बने हैं, उसके बाद में क्या चीज हुई होगी, फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स बने हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं। थर्ड उसके बाद क्या कही है,
फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं। क्या बने हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यहां तक सबसे पहले इन्होंने बात पहले इतना ही बताया, इन्होंने इतना ही बताया, इतना जब वो कर चुके थे तो इसके बारे में इन्होंने पब्लिश किया पेपर में, अपने बुक में किया इन्होंने, तो उसको इन्होंने पढ़ा। यूरे ने पढ़ा, यूरे इज अ ग्रेट एस्ट्रोनोमर, यूरे ने पढ़ा और यूरे ने बताया कि इस तरह से कह रहे हैं तो इनकी बात में दम है, इनकी बात में दम है। तब उन्होंने अपने स्टूडेंट मिलर से इसके बारे में करने के लिए कहा, इसके बारे में करने के लिए कहा। देन मिलर ने इसको एक्सपेरिमेंटली किया, इसको एक्सपेरिमेंटली किया और उसका रिजल्ट भी आया कि जॉपरिन एंड हेल्डन कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है हु गेव द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो आपका आंसर जॉपरिन एंड हेल्डन की दोनों ने मिलकर दिए। बुक अगर आते हैं, बुक है ठीक है, बुक इन्होंने इसकी बुक भी लिखी है, बुक ऑपरेंट के नाम जाती है, बट थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल नेचुरलिस्टिक थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी किसके नाम जाएगी? ऑपरेन एंड हेल्डन के नाम जाएगी। हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया, तो उसमें मिलर एंड यूरे दोनों का नाम आता है, क्योंकि मिलर ने तो इसे किया बट अंडर द सुपरविजन ऑफ यूरे। काम सारा मिलर ने किया बट अंडर द सुपरविजन ऑफ यूरे, यूरे इसको इंस्ट्रक्ट करता चला गया, उसने एक्सपेरिमेंट किया और मेन जो क्रेडिट जाता है वो मिलर के नाम चलता जाता है। तो मिलर एंड यूरे हम दोनों यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ उसके बाद उन्होंने क्या कहा? फोर्थ, फिर उन्होंने आगे कंटिन्यू रखा, यहाँ करने के बाद उन्होंने प्रूव कर दिया था। फिर आए कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आज हमारे अंदर सब चीजें कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट, फैटी एसिड, सारी चीजें हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनी है। फिर उन्होंने आया कि फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बने होंगे और उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ प्रीबायोटिक लाइफ, प्रीबायोटिक, इसके बाद उसने कम किया प्रीबायोटिक लाइफ, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मतलब प्रोटोबायोंट्स बने, पहली लाइफ प्रोटोबायोंट्स, प्रीमियर बायोंट्स बने, मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे कोसर्वेट्स बने, और एक क्या बने उसके बाद में माइक्रोस्फियर बने। क्या बने बेटा उसके बाद में? माइक्रोस्फियर। हालांकि उन्होंने इतना ही बताया, हेल्डन ने बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया, लेकिन दोनों ने एक चीज बताई, इसलिए दोनों का हम नाम लिखते हैं आगे। यहाँ से ऑपरेन करने किया है और माइक्रोस्फियर के बारे में सिडनी फॉक्स ने दिया है, कि उन्होंने दिया बेटा सिडनी फॉक्स थे, उन्होंने इसको आगे किया। फिर आगे कंटिन्यूटी होती चली गई, इस तरह से बने हुए होंगे। फिर उन्होंने क्या कहा कि फॉर्मेशन ऑफ, जो पहले ही भी तो लाइफ है, विक सेल है, पहली लाइफ बनी है, देन फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स बने। हेट्रो भी कैसे बने? कीमो हेट्रोट्रॉप्स बने हैं। क्या बने हैं? कीमो हेट्रोट्रॉप्स। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस हुआ है, फिर क्या बने होंगे? फॉर्मेशन ऑफ कीमो, कीमो ऑटोट्रॉप्स बने हैं। क्या बने हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स। इसको प्रूव नहीं किया गया, कोसर्वेट माइक्रोस्फीयर तक दोबारा से निकाल दिया गया था, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कीमो ऑटोट्रॉप्स, और उसके बाद क्या बने होंगे? फॉर्मेशन ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स। बस यहीं तक बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम दे रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया। अगर आपकी आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो हम यहीं तक लिखते हैं ओरिजिन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर, पहली लाइफ, आगे हम बात नहीं करते आपके लेवल तक। तो ध्यान देना, सबसे पहले हमने क्या कहा, फॉर्मेशन, सारी खाली थॉट निकल है, समझने की चीजें। मैं आपको एक स्टोरी टाइप बता रही हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल्स, कि जैसे आप एकदम आग का गोला थी उस टाइम, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर, देखो उसके बीच में लाखों सेल का गैप है। मैंने अभी आपको क्या कहा, अर्थ कब बनी है? 4.5। अगर हम लाइफ का ओरिजिन की बात करें 3.9 से पहले, क्योंकि एविडेंस तो 3.6 का मिला है, तो इसके और इसके बीच में भी 900 मिलियन ईयर का गैप है बेटा, है नहीं है ठीक है, 600 मिलियन ईयर का गैप है ना, इतना गैप हो गया, तो लाख साल बन गए। जब अर्थ बनी तो आग का गोला थी, धीरे 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 उसके अंदर चेंजेस हुए, ठंडी होती हुई चली गई, जो मॉलिक्यूल्स थे, अब ध्यान देना सबसे पहले क्या बने, धीरे धीरे जो केमिकल्स बने हैं ठीक है, जो हैवी केमिकल्स बने वो नीचे की तरफ बॉटम में चले गए, जैसे आयरन है, आप मेंटल कोर क्रश पढ़ते हो ना, क्या होता है आयरन होता है, उससे लाइट थे वो थोड़ा ऊपर आ गया, एल्यूमिनियम सिलिका जिसने क्रस्ट बना दिया ठीक है, और जो गैसियस फॉर्म थे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन थी, और सॉरी जो लाइट वेट में थे, हम गैसेस नहीं बने अभी, क्या थे? लाइट वेट में थे, वो कहाँ चले गए? अपर रह गए, ऊपर की तरफ रह गए। फिर उन्होंने क्या कहा, इस तरह से इसकी लेयर बनी है अर्थ, धीरे धीरे अर्थ ठंडी हुई है, हैवी मेटल्स नीचे जमते हुए चले गए, उसके बाद जो
उससे कम थे वो क्या आ गए ऊपर की तरफ आ गए, जो बिल्कुल लाइट वेट में थे वो अपर सरफेस में फ्लो कर रहे थे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हुए, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। किसकी फॉर्मेशन हुई बेटा? मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स बने। केमिकल्स से उसके बाद में क्या बनेंगे? अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब जो नीचे से दब गए वो रह गए, ऊपर जो एयर के अंदर थे, एयर तो हम नहीं कहीं भी एयर नहीं बने, अपर जो लाइट वेट के अंदर प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन लाइट में थी, कार्बन लाइट में थी, हाइड्रोजन लाइट में थी, ये सब चीजें लाइट में थी, इनके अंदर क्योंकि कंटिन्यूअस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पर आ रही है, अल्ट्रावायलेट हाई टेम्परेचर हो रहा है, थंडरिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही, किसी भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को यही चीज़ें तो चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो सारी उस टाइम ये कंडीशन मिल रही थी। तो जो एयर के जो ऊपर की तरफ जो लाइट वेट वाले केमिकल्स थे वो सारे के सारे कंबाइन हो गए, सारे के सारे कंबाइन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए वाटर फॉग के अंदर, ठीक है, अमोनिया गैस बना दी, मीथेन गैस बना दी, हाइड्रोजन गैस बना दी, सभी इस तरह से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब एक सॉरी क्या बन गए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। और यहाँ ऑक्सीजन थी तो सही बट नॉट इन फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, कौन सी फॉर्म में थी? कंबाइंड फॉर्म में। और ये सबसे बड़ी चीज रही, और ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ही रहा यहाँ पे, कैसा एटमॉस्फेयर रहा? रिड्यूसिंग, जो इनको और क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंबाइन। अब धीरे धीरे और टाइम बीतता हुआ चला गया, ये मिलियंस टाइम तक ऐसे ही रहे होंगे, तो धीरे धीरे और टाइम बीतता हुआ चला गया, अर्थ थोड़ी ठंडी पड़नी शुरू हो गई। अब यहाँ पे जो बारिश पहले तो क्या था भाई, पानी आया था नीचे लेकिन टेम्परेचर इतने तभी की तभी किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में फिर से इवेपरेट हो रहा था, फिर इस तरह से ठंडा हो रहा, फिर ऐसे सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे अर्थ नॉर्मल हो रही है, ठंडी होती जा रही है, तो उसके बाद में जो अब बारिश का पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया अर्थ पर, जिसने किसकी फॉर्मेशन बना दी है? ओशियंस की फॉर्मेशन बना दी है। लाइफ जो ओरिजिन हुई है याद रखना, वो वाटर में ओरिजिन हुई है, एयर में नहीं हुई है, क्योंकि एयर में भी तो हो सकती थी, एयर में रहने के लिए उसको एक स्टेबल एनवायरनमेंट वो चीज़ चाहिए थी, जो नहीं थी एयर में, अभी भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, प्रेशर था, जिसके कारण सिंपल ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो बन पाए लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं बन पाए। बारिश के साथ साथ में ये किसके साथ में आ गए? ओशियंस के अंदर आ गए, ओशियन बने, लेकिन ओशियन नॉर्मल ओशियन नहीं थे आज के टाइम पे, उस टाइम जो ओशियंस थे एक उबलते हुए बॉइल्ड सूप जैसे थे, कैसे बेटा? ये बॉइल्ड सूप जैसे थे, कैसे थे बेटा? ये बॉइल्ड सूप जैसे थे। और उन्होंने इसमें क्या कहा कि उसे ब्रोथ नाम दिया गया, कैसा था बेटा? उबलता हुआ, उबलता हुआ क्या था ये? एक मतलब जिसे हम सूप लेके आते हैं बिल्कुल गर्म गर्म, उसके अंदर उबलता हुआ भाप निकलती है, तो उस टाइम ओशियन तो था क्योंकि अभी भी टेम्परेचर आज का इतना ठंडा नहीं, इतना नहीं होता 33-35 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री हो गए, नहीं अभी भी 100 डिग्री इस तरह का टेम्परेचर चल रहा था। और उसके बाद में धीरे धीरे उबल रहा था पानी, क्या था? पानी उबल रहा था। अब उसको यहाँ पे केमिकल इकट्ठे हुए, इनऑर्गेनिक केमिकल इकट्ठे हुए, क्योंकि अभी भी वहाँ पर क्या था, इसको फिर से अच्छी जगह मिल गई, एक अच्छा सब्सट्रेटम मिल गया, रिडक्शन रिएक्शन अभी भी इनके अंदर हुई, और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, इन्होंने क्या बना दिया? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब मोनोमर्स की फॉर्म में बनाने शुरू किए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाए, अमीनो एसिड्स बना दिए इन्होंने, फैटी एसिड्स बना दिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मिला के पॉलीसेक्राइड मतलब मोनोसेक्राइड्स बनाए एक तरह से इन्होंने। अमीनो एसिड से आगे जाके क्या बन जाता है? प्रोटीन। फैटी एसिड से क्या बन जाएगा? फैट एंड लिपिड्स बन जाएंगे। आज हमारे अंदर यही तो चीज़ें प्रेजेंट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सिंपल बनाया, प्यूरीन पायरिमिडीन बनाया, जो आगे जाके क्या बनाता है? आगे जाके क्या बनाता है? जेनेटिक मटेरियल बनाएगा। तो सारी चीज़ें सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बनी। किसके अंदर बनी बेटा? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ से इसको प्रूव किया गया मिलर एंड यूरे ने, इसे प्रूव किया, अभी मैं बात करूँ मिलर एंड यूरे के बारे में। उसके बाद में क्या है? यही कंडीशन मिलती जा रही है, धीरे 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 और ठंडा होता चला जा रहा है, इतना भी नहीं अभी भी गर्म है, वहीं पर ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसके बाद किसके अंदर कन्वर्ट हुए? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाया, अमीनो एसिड ने क्या बनाया बेटा? प्रोटीन्स बनाया, फैटी एसिड ने फैट्स बनाए, लिपिड्स बनाए, और प्यूरीन एंड पायरिमिडीन ने क्या बना दिया? डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल, और पहले आरएनए बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनाया बेटा इन्होंने? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। फिर उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पानी में ही है, कहाँ पे है बेटा? ये सब चीजें पानी के अंदर ही है। अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं दो पार्ट्स के अंदर बना दूंगी।
कोई बात नहीं, तो 44 की भी हो जाएगी हमारी इसी के अंदर, ठीक है। देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, अब इस तरह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गए। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी इस तरह से, और ये सारे किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, ऑशियन के अंदर है, लाइफ ऑरिजन पानी के अंदर ही हुई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, प्रीबायोटिक लाइफ बनी है, प्रोटोबायोंट्स कहा गया पहले लाइफ को, क्या कहा गया, प्रोटोबायोंट्स। तो इस तरह से इन्होंने, भाई हम लाइफ हैं, एक कोई भी बैक्टीरिया आपने कहा भी मॉलिक्यूल्स एक सिंगल सेल का ही तो है, लेकिन वो अपना खुद के एनवायरनमेंट, उसका यू नो बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रख रखा है, बिकॉज उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। तो ऐसे धीरे धीरे इन प्रोटोबायोंट्स के अंदर चेंज हुआ है, और उन्होंने जो ये पहले प्रोटोबायोंट्स जो बने हैं, इसीलिए हम दो की फॉर्म में करते हैं, ये कॉपरेन ने बताया जो पहले प्रोटोबायोंट्स बने हैं इनके अंदर ये सारी चीजें तो प्रेजेंट, इन्होंने अपने चारों तरफ एक वाटर मॉलिक्यूल की लेयर बना दी इस तरह से, ताकि इसको अपने इस वाले बाहर वाले एनवायरमेंट से सेपरेट कर सके, और इसे इन्होंने क्या नाम दिया, कोअसर्वेट्स नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने इसको, कोअसर्वेट नाम दिया। फिर धीरे से चेंजेस हुआ, धीरे से चेंजेस हो गए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए हैं। तो ये सिडनी ने बताया, क्या बताया, सिडनी फॉक्स है ये, इन्होंने क्या बताया बेटा कि क्योंकि अब अंदर अंदर प्रोटीन बन चुके थे, ये बन चुके थे लिपिड, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इसके चारों तरफ प्रोटीन और लिपिड की लेयर बना दी, और आज हमारी सेल मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है, प्रोटीन और लिपिड्स की, और इसके अंदर ये सारी चीजें क्या है बेटा, इस तरह से इकट्ठी हुई। तो इस तरह से पहली सेल बनी है, इस तरह से क्या बनी है, पहली सेल। अब इन्होंने बाहर वाले एनवायरमेंट से अपने आप को सेपरेट कर लिया है, बट इनको अपनी ग्रोथ के लिए चीजें चाहिए होती है, इनको अपनी ग्रोथ के लिए चीजें चाहिए होती है, और इन्होंने इसको अपना नाम क्या दिया, इन्होंने क्या नाम दिया इसको, माइक्रोस्फीयर नाम दिया गया। बस कोअसर्वेट और माइक्रोस्फीयर में यही फर्क है, पहला जो कोअसर्वेट बना अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाना के लिए, क्या भाई अब इसको पता थोड़े ना थे, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल की लेयर क्यों बनी, इसके बाद प्रोटीन और लिपिड की बायलेयर क्यों बनी, क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, बन गई, ठीक है। तो भगवान क्यों भाई लाइफ ओरिजिन हुई कुछ भी लगा लो, इस तरह से माइक्रोस्फीयर बने, अभी बन गए, बाहर के एनवायरनमेंट से कट हो गए, लेकिन इसको जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो बाहर जो केमिकल कहीं कहीं थे, उस वाटर से केमिकल अपने अंदर लेने चले गए, इनकी ग्रोथ हुई, अबे ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है, अंदर की चीजें बढ़ रही है, तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक तो छोटी चीज एक बड़ी चीज है, छोटी चीज को खाने के लिए थोड़ी चीज चाहिएगी, बड़ी चीज को ज्यादा चीज चाहिएगी, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा तो दो हिस्सों के अंदर टूट गए, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसीलिए सिंपल ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन यही तो है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा, दो हिस्सों में टूट गया। तो इसी से इन्होंने क्या कहा भाई, पहले इस तरह से, क्योंकि इन्होंने खाना नहीं बनाया, हेटरोटॉप्स की फॉर्म में आए केमिकल, बाहर के जो केमिकल है वो इन्होंने अपना खाना शुरू किया, ग्रोथ ही रिप्रोड्यूस किए, धीरे धीरे चेंजेस हुए होंगे, धीरे धीरे चेंजेस हुए होंगे, क्योंकि अब वो इस तरह से जा चुके होंगे, ऑशियंस के अंदर जा चुके होंगे, प्रूफ नहीं है कि वहां पे केमिकल नहीं मिले उनको, लेकिन उन्हें सर्वाइव करना, तो धीरे धीरे उनकी बॉडी ने क्या बनाया, केमिकल बनाया, अपना फूड बनाया, फिर धीरे से चेंजेस हुआ होगा, आप ऐसी जगह जा चुके होंगे, सनलाइट वहां पे आ रही है प्रॉपर, कि कैसे क्या करना उससे बचने के लिए, फिर धीरे धीरे उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट बना, और क्लोरोफिल पिगमेंट बनने के बाद में क्या हुआ, अब वो फोटोसिंथेटिक फोटोऑटोट्रॉप्स बने, लाइट को यूज किया, उन्होंने फूड बनाया, फोटोसिंथेसिस हुई, अब धीरे धीरे ऑक्सीजन इवॉल्व होनी शुरू हो गई, धीरे धीरे ऑक्सीजन इवॉल्व होनी शुरू हो गई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ऑक्सीजन टूट रही थी, और धीरे धीरे अब ओजोन लेयर बननी शुरू हो गई, इस तरह से धीरे 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 लाइट बननी शुरू हो गई होगी, क्योंकि अगर ये कभी भी नहीं आते, ऑक्सीजन नहीं आती, तो अल्ट्रावायलेट धरती पर आती रहती, अल्ट्रावायलेट धरती पर आती रहती तो कोई चीज की इस तरह की संभावनाएं नहीं होती, नहीं रहती जो आज हम हैं एट प्रेजेंट। तो इस तरह से ऑटोट्रॉफ्स जो थे उन्होंने सबसे बड़ा था कि उन्होंने ऑक्सीजन इवॉल्व करना शुरू किया, और ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट के कॉन्टेक्ट में आने से ऊपर थी गैसेस फॉर्म हुई थी, ऊपर जा रही थी, टूटी, नेसेंट ऑक्सीजन बनी, फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती चली गई, ओजोन लेयर उन्होंने बनाती चली गई, इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पर नहीं आया, धीरे धीरे सी के अंदर चेंज होता 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 क्या बन गया होगा, आज हम ह्यूमन बींग्स तक बन चुके हैं। बट यहाँ ये साइनोबैक्टीरिया से कैसे चेंज, इसका किसी के पास कोई क्लू नहीं है, और ये भी सारी चीजें बताई गई हैं, अगर ऐसी पॉसिबल होती आज हमने लाइफ को बना सकते, हमने इतना तो बना लिया है, माइक्रोस्फीयर तो सिडनी फॉक्स ने करके भी दिखाया, केमिकल लिया, इसको अच्छे से शेक किया, बाहर प्रोटीन और लिपिड की लेयर, क्योंकि आपको पता है लिपिड चिकना होता तो बाहर एक सेपरेट लेयर बना लेता है आराम से, उसके साथ प्रोटीन भी कंबाइंड हो गए, लेकिन अगर आज यही चीजें होती तो हम आज लैब में एक लाइफ को बना चुके होते,
ये भगवान की देन है, नेचर का है, जो कुछ कुछ किया हुआ है क्या है नेचर, आज हम भी कोई भी लाइफ बना सकते थे। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो मैंने आपको क्या बताया, सारे के सारे थ्योरेटिकल चीजें बताई हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने कहां से शुरुआत की है भाई, ऑप्टन एंड हैंडन ने क्या बताया, सबसे पहले केमिकल्स बने। सबसे पहले क्या बने बेटा, केमिकल्स बने। ये केमिकल्स कंटिन्यू रिएक्शंस हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सारी रिएक्शंस हो रही है। नीचे केमिकल जो नीचे दबते हुए चले गए, आयरन वगैरह, उनके अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे ठंडा भी हुआ, लास्ट में इस तरह ठंडा हो गया कि आज हमारे अंदर ये जो आज आप एनवायरनमेंट देखते हो इस तरह से। और पहला कैसा था बेटा, रिड्यूसिंग था, हैवी मॉलिक्यूल्स नीचे जमते हुए चले गए, नॉर्मल बीच में ऊपर क्रस्ट बना दिया, जो सबसे लाइट वेट की ऊपर रह गए, ठीक है। और उन्होंने कंबाइन हुए और क्या बना दिए, उन्होंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना दिए। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या CO2 बनी, ठीक है, वाटर वेपर्स, क्योंकि गर्म था तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में रह रहे थे, अमोनिया बनी, मीथेन बनी, हाइड्रोजन गैस, ये मेन है जो केमिकल बनाने में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और एटमॉस्फेयर कैसा रहा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, आज के टाइम ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीजन रिलीज होते हुए चले गई, इसलिए तो कोई चीज नहीं बनती, नहीं हम चेंज कर सकते हैं, चीजें नहीं बन रही, नया लाइफ नहीं बन रही। उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, क्या बने बेटा, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन गए हैं, मोनोसेक्राइड की फॉर्म में बन गए हैं, जो पॉलीसेक्राइड बना देंगे। प्रोटीन किसकी चेन होती है, अमीनो एसिड बने हैं। फैटी एसिड किसकी चेन होती है, फैटी एसिड की चेन होती है। और प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, ये मैं आपको डीएनए के डायग्राम के अंदर बताऊंगी, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो आगे जाके डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे की फॉर्मेशन, ये एयर में थे, एयर से कहाँ है, पानी में ये सारी चीजें बनी ओशन के अंदर। और उस टाइम ओशन को क्या नाम दिया गया था, ब्रोथ, ब्रोथ का मतलब ये हेल्डन ने नाम, सॉरी ऑपरेन ने नाम दिया था इसको, ठीक है। और इसका ब्रॉथ का मतलब क्या होता है, बॉइल्ड सूप, उबलता हुआ सूप जैसा होता है। फिर उन्होंने क्या कहा भाई, इसके बाद क्या बना होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मेन कार्बो, अमीनो एसिड से प्रोटीन, फैटी एसिड से फैट लिपिड्स, प्यूरिन से जेनेटिक मटीरियल बन गया होगा। उसके बाद में क्या बनी होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट्स, पहली सेल बनी, पहली लाइफ बनी, प्रोटोबायोंट पहली लाइफ बनी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बने होंगे, कोऑसर्वेट बने हैं पहले, और उसके बाद उससे क्या बन गए होंगे, माइक्रोस्फीयर बन गए होंगे, फिर चेंजेस हुआ होगा, फिर क्या बन गए होंगे, कीमो हेट्रोट्रॉप्स बन गए, मैं और कुछ तो थी नहीं केमिकल से देख। उसके बाद क्या बने होंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स बने होंगे, नहीं मिला एनवायरमेंट में खाने के लिए कोई चीज अपनी ग्रोथ के लिए, तो केमिकल्स को ही यूज किया, अपना उसको यूज किया, खाने की तरह यूज किया कीमो ऑटोट्रॉप्स। और उसके बाद में क्या बने होंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स बने होंगे चेंज, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसी का एविडेंस अभी तक मिला है 3.6 बिलियन ईयर एगो, तो भाई लाइफ 4.5, तो ये चीजें बननी भी होगी, तो इसमें एकदम थोड़ी ना मिली है, इसलिए हम 3.9, लेकिन एविडेंस के अकॉर्डिंग हम लाइफ का हमेशा क्या कहेंगे, 3.6 बिलियन ईयर एगो पहले, तो ये जरूर याद रख लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, वेरी गुड। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रह गया, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना रह गया, और कहाँ तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर क्या था इन्होंने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तक ही किया है, कहाँ तक क्या है ऑनली इन्होंने सिंपल, और तभी तो इनको मिला, तभी तो इनको क्रेज मिला। अगर ये नहीं करते तो इतना थ्योरेटिकल बताते तो शायद नहीं भी होता, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, जैसे ही उनको आया कि उन्होंने छापा पब्लिश, तो यूरे ने इसको पढ़ा, यूरे ने इसको फिर मिलर को कहा, इंस्ट्रक्शन दिया, तो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, सेम जो ऑपरेन ने एल्डन ने बताई थी, इन्होंने एक स्पार्क चैम्बर लिया इस तरह से, ध्यान देना ना, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, यूरे टीचर था, ये इसका स्टूडेंट था, एस्ट्रोनॉमर थे यूरे, ठीक है। उन्होंने पढ़ा इस तरह भी, क्योंकि ऐसी सारी चीजें एनवायरमेंट के बारे में बता रखी थी, तो उन्होंने क्या लिया यहाँ पे, सेम गैसेस ली, कौन सी गैसेस ली, वही मतलब सर मीथेन लिया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने क्या लिया, अमोनिया गैस ली और हाइड्रोजन ली, 2:1:2 के रेशियो में ली, 2:1:2 के रेशियो में ली, ठीक है। और यहाँ पे इसको वाटर वेपर चाहिए थे, एक स्पार्क चैम्बर था, क्या था, स्पार्क चैम्बर, क्यों स्पार्क चैम्बर था, क्योंकि भाई इसको करने के लिए टेम्परेचर भी तो प्रोवाइड करना था, क्योंकि उस टाइम हाई टेम्परेचर था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, थंडरिंग रेडिएशन, ये सारी चीजें हो रही थी, तो इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक रॉड लगाई,
क्या ले, इलेक्ट्रिक रॉड लगाए जिससे वो करंट को अप्लाई कर सके। और आपको नॉर्मल बुक में 100 डिग्री सेल्सियस लिखा मिलेगा, लेकिन मैं आपको सही बता दूं 800 डिग्री सेल्सियस तक इन्होंने इसमें करंट पास किया है। कितना? 800 डिग्री, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दैट यही रहा होगा। तो उन्होंने 100 डिग्री तो नॉर्मल टाइम, मतलब कि एक आ जाता है भाई जब लाइट पहले बने उस टाइम हो सकता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें एट टाइम जब एनवायरनमेंट में इस तरह की चीज़ें थी, तो इतना ही टाइम तो उन्होंने तो टेम्परेचर प्रोवाइड किया 800 डिग्री सेल्सियस। आपको 10th क्लास की GRB बुक में, एस्चान बुक वगैरह में 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ठीक है। तो उसमें मत जाना आप। मेन मैं आपको इसे बता दूँ, मेन हमने फॉरन ऑथर्स में मैंने पढ़ी है, तो 800 डिग्री अगर आपको नॉर्मल जो हाई लेवल की बुक में 800 डिग्री ही मिलेगा। उन्होंने स्पार्क चैम्बर लिया, इलेक्ट्रिक रॉड्स लगाए, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया, ये वाली गैसेस ली। पर बिना पानी तो अधूरा था, क्योंकि पानी से ही तो बारिश आएगी, पानी से ही तो क्या बनेगा, ओशन बनेगा। अब इसको कंटिन्यू वाटर वेपर्स की ही देखो कितना उसने दिमाग लगा, कितना क्या क्या इन्होंने वाटर वेपर्स की सप्लाई करनी थी। तो इस स्पार्क चैम्बर का एक एंड या इसने एक फ्लास्क रखा, इस फ्लास्क में इसने वाटर रखा और इस वाटर को कंटिन्यू क्या क्या है, इसने यहाँ पे बर्नर रख दिया, बॉयल हुआ। अब कंटिन्यू बॉयल होगा तो ये टूट भी सकता है। तो इसने एक स्टॉक को रोड रखी जिससे अगर इसको पता लग जाए ज्यादा तो इसको ही रोक सकता है, ठीक है। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए रखा है, क्योंकि कंटिन्यू आप एक कांच के बीकर में कंटिन्यू पानी गर्म करना लास्ट में टूट सकता है, तो उसका एक्सपेरिमेंट खराब ना हो। तो उसने इसको मेंटेन किया, जिस तरह से स्टॉप कॉक रखा, रॉड रखा, ताकि इसको मेंटेन कर सके। धीरे धीरे यहाँ पे बॉयल होता रहेगा, तो ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में यहाँ जाता रहेगा और यहाँ पे क्या होता रहेगा, ये इकट्ठा रहेगा। तो इन्होंने इस तरह से वाटर वेपर्स को कलेक्ट किया। अब भाई वाटर वेपर्स इकट्ठे हो गए, अब यहाँ पे रिएक्शन होनी थी, रिएक्शन होने के बाद में पानी को आना था और बारिश बन के नीचे आना था। तो इसका एक एंड इसने यहाँ पे कलेक्टर के फॉर्म में रखा और यहाँ पे इसने क्या ऐड किया, यहाँ पे इसको कंडेंसर से ज्वाइन किया, पर नीचे से सीधा देखा, उसके बाहरी तरफ क्या लगा दिया इसने, इमेजिन करो इस तरह से रॉड आएगी, कंडेंसर लगा दिया, जिसका एक एंड यहाँ से, भाई यहाँ पे पानी भी इस तरह से आएगा, इस तरह से इसको यहाँ पे ट्यूब कलेक्टर, क्या कहा इसने यहाँ पे ट्यूब कलेक्टर, क्योंकि पानी यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे कंडीशन यहाँ पे उसने प्रोवाइड की ब्रोथ के जैसे, क्योंकि वहां पे उबलता हुआ सूप चाहिए था। अब यहाँ पे वाटर वेपर्स आएंगे इकट्ठे होंगे, हाई टेम्परेचर आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से नीचे आता चला जाएगा। तो एक कंडेंसर में इसने क्या रखा, वाटर आउट, यहाँ पे जो पानी आएगा वो वाटर आउट होगा और यहाँ पे कोल्ड वाटर इन, अंदर की तरफ रखा, तो यहाँ पे जो पानी आएगा यहाँ पे बाहर भी आएगा, यहाँ पे अंदर भी आएगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर्स की फॉर्म इकट्ठा हो जाएगा, गर्म यहाँ पे आएगा और यहाँ से भी ये चीजें आती रहेगी। तो यहाँ ब्रोथ, और फिर उसने इसको ऑपरेटर्स को रखा और यूरी ने कहा इसको 18 दिन के लिए रखना, उसने 18 डेज के लिए इस एक्सपेरिमेंट को रखा। कितने डेज के लिए इस एक्सपेरिमेंट को रखा, उन्होंने 18 डेज के लिए इस एक्सपेरिमेंट को रखा। और उन्होंने क्या पाया, जब इसने 18 डेज के बाद यहाँ से सैंपल इकट्ठा किया, क्योंकि सैंपल कलेक्टर था, ट्यूब कलेक्टर था, इसके अंदर इसने क्या करना था, सैंपल कलेक्ट करना था, यहाँ से इस तरह से यहाँ लगाई। जब उसने इसको निकाल के देखा तो इसके अंदर क्या दिखाई दिए उसको, सेम सिंपल ऑर्गेनिक अमीनो एसिड्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट दिखाई दिए, प्यूरिन दिखाई दिया, पायरिमिडीन दिखाई दिया, कि जो ऑपरेन हेल्डन कह रहे थे वो सारी बात सही थी। उसके बाद ऑपरेन हेल्डन को मिला कि जो बातें हैं वो बिल्कुल सही की जा रही है। फिर उसने आगे की कहा कि कॉन्सर्वेट्स बने हैं, इस तरह से सारी चीजें बनी है। आगे मेरी बात सुनने, तो आपको इसी तरह से लिखना है, ये किसका एक्सपेरिमेंट हो गया, मिलर एंड यूरी में कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कि यूरी ने इसको बताया और मिलर ने इसको फॉलो किया, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने, मिलर ने क्या किया, स्पार्क चैम्बर रखा बेटा, करंट प्रोवाइड करना था, दो इलेक्ट्रोड रॉड रखी, 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जो मेन चीज रखी मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 के रेशियो के अंदर रखी गई, वाटर वेपर्स इकट्ठे करने थे। तो डायग्राम को रटके नहीं बनाना, मैं आपको हमेशा कहता हूं डायग्राम रटके नहीं बनाना, पहले तो उसने यही ली, फिर उसको इसको वाटर वेपर्स को ऐड करना था,
बात, यहाँ पे एक बर्नर रखा, बर्नर रखा, इसके अंदर एक फ्लास्क रखा, यहाँ से उसको पानी डाला गया, ये बॉइल हो गया तो वाटर वेपर की फॉर्म में यहाँ पे इसको इस तरह से करेक्ट किया गया है। यहाँ पे इस पार्ट जो ट्यूब की ज्यादा गर्म ना होती है, सारी चीज कंट्रोल की है। फिर यहाँ पे बेस को इकट्ठा भी करना था, ग्रोथ भी बनाना था, तो इसने ठंडा पानी भी, बहुत ठंडा नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी, बाहरी पानी, क्योंकि ज्यादा ही गर्म हो जाएगा तो दिक्कत, और यहाँ से वो पानी इकट्ठा होगा वाटर वेपर में, तो ये बारिश किस तरह से ओशन टाइप बन जाएगा। और यहाँ इसने ट्यूब कलेक्टर को रखा, 18 डिग्री सेपरेटस को रखा और इसको निकाला, इस सेपरेटस के अंदर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। तो ये बात बिल्कुल सही निकली कि जो नेचुरलिस्टिक थ्योरी है वो बिल्कुल सही है कि नेचर में केमिकल की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ द केमिकल क्या बनी है, ये लाइफ बनी है। तो ऑपरेन एंड हेल्डर ने यही चीज कही है कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, इस स्टेटमेंट को याद रखना, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, बायोजेनेसिस लेटर एवर, पहले ए नॉन चीज, नॉन लिविंग बने, नॉन लिविंग मतलब यहाँ पे क्या बने होंगे, केमिकल्स बने हैं, और उसके बाद में क्या बनी है, लाइफ बनी है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो हमने एवोल्यूशन का सबसे पहला टॉपिक ऑरिजन ऑफ लाइफ पढ़ा है, क्या पढ़ा, ऑरिजन ऑफ लाइफ। तो फटाफट से एक बार मेरे साथ सारे बच्चे रिवाइज करेंगे, तो ऑरिजन ऑफ लाइफ के अंदर देखो हम बात करेंगे बेटा बिल्कुल लास्ट में 5 मिनट्स के अंदर, क्योंकि बिना, मुझे लगता है कि बिना रिवाइज के मुझे क्यों अधूरा सा लगता है, कहीं छूट ना गया हो कुछ। तो हम बात करें ऑरिजन ऑफ लाइफ, ऑरिजन ऑफ लाइफ की, लाइफ बनने से पहले क्या बनी होगी बेटा, यूनिवर्स। एबेल मार्टिन ने नाम दिया, साइंटिस्ट, डजंट मैटर फॉर यू, याद करना, कभी भी नहीं आते हैं, खाली मैंने आपको बताया भी, आपने पढ़ा भी होगा बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्या कहा इन्होंने, बिग बैंग थ्योरी, और कहते हैं कि इसका एग्जैक्ट नहीं है, 15 बिलियन कोई कहता है, 20 बिलियन ईयर एगो का होगा, तो हम ये चीजें लिख देते हैं, ठीक है। इतना पुराना, उसके अंदर क्या बनी होंगी, गैलेक्सीज बनी है, काफी गैलेक्सीज बनी है, गैलेक्सीज के अंदर क्या बने होंगे, स्टार्स बने होंगे, और हमारे स्टार्स के अंदर क्या बना, क्या है उनके अंदर, सोलर सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, फिर क्या बना है, प्लैनेट बना है, और हमारा प्लैनेट क्या है, अर्थ है, और अर्थ की लाइफ अगर हम बात करेंगे तो 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। और इस अर्थ के हमारे जो गैलेक्सीज, हम क्या नाम देते हैं, मिल्की वे, या क्या कहेंगे, आकाश गंगा कहेंगे, क्लियर है। अगर हम पहली पुरानी रॉक देखेंगे तो 4.3 बिलियन ईयर की है, उसके बाद जो देखिए जो कार्बोनेट है जिसके अंदर एविडेंस मिले हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो 3.9 बिलियन ईयर है, भाई यहाँ पे बननी शुरू हो गई होगी, और उसके बाद जो लाइफ का पहले जो साइन बैक्टीरिया मिला है वो 3.6 बिलियन ईयर है, वो पहले मिला है। तो काफी थ्योरीज आई ओरिजन की, पहले अगर हम बात करेंगे सुपर क्रिएशन थ्योरी आई, भगवान करता धरता है सब कुछ, और है भी अगर हम मानते हैं, लेकिन साइंस हमेशा किसके ऊपर मानती है, प्रूफ चाहती है, तो प्रूफ हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं तो शुरुआत के भी चेंज क्यों हुए, कैसे हुए, सिर्फ क्वेश्चन मार्क बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो कौन सी थ्योरी आई है, यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी आई है, वे आसमान से जो कॉस्मेट्स और टूटते हैं, केमिकल निकले उनसे बन गई है। फिर हमारे पास कौन सी आई, स्पॉन्टेनियस थ्योरी, कि नॉन लिविंग थिंग्स से आई है, नॉन लिविंग थिंग्स से आई, ए बायोजेनेसिस है ये पूरी तरह से, कि नॉन लिविंग से आई होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं, नॉन लिविंग किससे आई है, उन्होंने जितने भी कहा कि पहले वो लाइफ थी, तभी तो एक मच्छर से दोबारा मच्छर बन गया, वहाँ पे एक, आप अपने नॉर्मल में देखना, आप घर पे फूड रख देते हो, उसको नहीं देखो 2 या 3 दिन, उसके बाद आपको कीड़े पड़े हुए दिखाई देंगे, अनाज को थोड़ा सा गीला करके रख लेना नॉर्मल, उसका आप देखना तो कीड़े मिल जाते हैं उसके अंदर, एयर में थे वो स्पोर्ट्स, एक्स प्रेजेंट थे, एक्स में वहाँ पे पड़े, उसको सही जगह मिली, खाने की चीज़ मिली, तो मैगोट्स के अंदर लार्वा पिपा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती है, तो इसको नहीं प्रूव किया गया। उसके बाद क्या आई, पैनस्पर्मिया थ्योरी आई, कि आसमान से गिरेंगे स्पॉट वहीं से बनेगा, और मेन थ्योरी कौन सी आई, केमिकल थ्योरी आई, ठीक है, कि केमिकल से बने से हम क्या नाम देते हैं, नेचुरलिस्टिक थ्योरी कहेंगे, ऐसे आज हम मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में दिया गया है, ऑपरेन एंड हेल्डर ने दिया है, हेल्डर इंडिया में आके शिफ्ट हो गए थे, इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी, और ऑरिजन ऑफ लाइफ बुक लिखी वो ऑपरेन ने लिखी, हालांकि काफी जगह आपको दोनों का नाम आ जाता है, लेकिन मेन बुक ऑपरेन ने लिखी है। इन्होंने क्या कहा कि अर्लियर एटमोसफियर कैसा एटमोसफियर था, रिड्यूसिंग एटमोसफियर था, मीन्स नो फ्री ऑक्सीजन फ्री नहीं थी, जो भी थी वो कंबाइंड फॉर्म में थी, सबसे ज्यादा सही कंडीशन रही जिससे केमिकल इकट्ठे होते चले गए। तो उन्होंने कहा था भाई पहली चीज क्या बनेगी फॉर्म, अब तो देखो याद हो गया ना, केमिकल्स बने हैं, सेकंड क्या बने हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं, इनऑर्गेनिक के बाद क्या बने हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स,
बारिश आई इकट्ठे ओशन के अंदर जलाई हमेशा क्या कहेंगे आप वाटर में बनी हुई है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं। उसके बाद हम क्या कहेंगे पहली लाइफ बनी है प्रोटोबायोंट्स बने हैं और प्रोटोबायोंट में पहले कॉसर्वेट्स बने होंगे और उसके बाद में क्या बने होंगे माइक्रोस्फीयर बने होंगे। क्लियर होगा सिडनी फॉक्स ने बताया। उसके बाद में कीमो हेटरोट्रॉप्स बने होंगे। उसके बाद में कीमो ऑटोट्रॉप्स बने होंगे और उसके बाद में क्या बने होंगे फोटोऑटोट्रॉप्स साइनोबैक्टीरिया। इसलिए धीरे धीरे एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से किसके अंदर कन्वर्ट होता चला गया ऑक्सीडाइजिंग तक। यहां करने के बाद प्रूव किया गया किसने प्रूव किया मिलर एंड यूरे ने। सेम वही स्पार्क चैम्बर लिया वही चीजें रखी उसके अंदर पानी को एक कंटिन्यू बॉइल किया रखा उसने और एक जगह उसने कलेक्टर रखा और जो कलेक्शन निकला वो बिल्कुल सेम जैसा ऑपरिन एंड ऑल्डिन ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया था सेम वही की वही था। तो ये आज हम क्या पढ़ चुके हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन पे जिसकी थ्योरी भी जिसकी स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। ठीक है बेटा ओके बाय।